सबसे बड़ा ये। ओह शिट, इसमें लपाट लगने वाली है बॉस। ये तो लिटरली नदी है। चेक आउट द व्यू ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड गाइस। ओह फक, लुक सो रिस्की, सो डेंजरस। ओह शिट, पत्थर गिर रहे हैं यार। रोड जितना खराब उतना अच्छा नज़ारा। Good evening everyone, welcome to my channel. I hope you guys are doing great. आज मैं हूँ मनाली में। यहाँ पे मैं आ गया था 19th of June। फ्लाइट मेरी थी 18th evening की, बट प्रॉब्लम ये हो गया कि फ़्लाइट डिले हो गई, एंड देन बाय द टाइम आई लैंडेड इन दिल्ली इट वाज़ अराउंड 5:30 इन द मॉर्निंग। और मैंने दिल्ली से ही कैब बुक कर लिया था, तो बाय द टाइम आई केम टू मनाली इट वाज ऑलमोस्ट इवनिंग, 8:30 हो गया था। तो कल का दिन एक दिन रेस्ट किया मैंने, एंड प्लान तो ये था कि आज निकलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली सुबह से बारिश थी तो निकल नहीं पाया। एंड अकॉर्डिंग टू टुमोरोज़ वेदर फोरकास्ट 11 बजे तक बारिश नहीं है, अर्ली मॉर्निंग 11 बजे तक बारिश नहीं है। तो आई एम थिंकिंग कि 11 बजे से पहले पहले अगर निकला जाए तो सही होगा। सो प्लान ऐसा है कि पूरा स्पीति सर्किट जो है मनाली से वो कंप्लीट करने का प्लान है। ऑलराइट, सो ये है आइटनरी स्पीति ट्रिप का। डे वन स्टार्ट होगा मनाली से, मनाली टू जीभी, जो के कुल्लू और टनल से होके जाएगा जीभी तक। ये डिस्टेंस होगा 105 किलोमीटर्स। एंड जीभी में एक दिन स्टे करने के बाद जीभी से निकलेंगे टुवर्ड्स चितकुल। और ये जो है ट्रिप का लंबा सफ़र होने वाला है, 200 किलोमीटर्स की दूरी है ये। चितकुल में एक दिन स्पेंड करने के बाद वहाँ से निकलेंगे टुवर्ड्स काल्पा, और काल्पा में एक दिन स्टे करने के बाद वहाँ से निकलेंगे टुवर्ड्स नाको। नाको में जो है लोकल साइट सीइंग करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे वहाँ से टुवर्ड्स काजा। काजा से अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे चंद्रताल के लिए। एंड ये जो रास्ता है ये जाता है वाया चीचम ब्रिज, जो एशिया का हाईएस्ट है, एंड ऑल्सो इट पासिस थ्रू कुंजुम पास, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पास है इस ट्रिप का। चंद्रताल में एक दिन स्पेंड करने के बाद हमारा इस जर्नी का जो है लास्ट लेग का सफ़र शुरू होगा अर्ली मॉर्निंग चंद्रताल से। ऑलराइट गाइस, मैं ऑलमोस्ट मेन रोड तक पहुंच गया हूँ होम स्टे से। ये हडिम्बा टेम्पल का रोड है, और जो प्लेस जहाँ पे मैं रह रहा था वो भी हडिम्बा टेम्पल के बिल्कुल पास में है। जो स्टेयर्स होते हैं हडिम्बा टेम्पल के, जो स्टेयर्स हैं बिल्कुल उसी रास्ते पे होम स्टे था। तो यहाँ पे यूजुअली ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होता है। अभी मॉर्निंग टाइम है तो उतना ज़्यादा नहीं है, बट अराउंड 10:30 इट स्टार्ट्स और रात को 10 बजे तक फुल ट्रैफिक होता है यहाँ पे। तो लकीली फिलहाल स्काईज आर ब्राइट और रोड भी ठीक नहीं लग रहा है, तो देखते हैं हाउ सून कैन आई रीच जीभी। व्हाट अ व्यू, नदी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, हॉट एयर बलून, बैकड्रॉप इन माउंटेन्स विद सो मच ऑफ ग्रीनरी, सन शाइनिंग थ्रू द क्लाउड्स, वाओ, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक।
लवली, वाओ पैराग्लाइडिंग भी हो रहा है वहाँ पे, इट्स अमेजिंग मैन। पता नहीं GoPro में दिखेगा या नहीं, आई डोंट नो, बट आई कैन सी 3 पैराग्लाइडर्स ओवर देयर। वाओ क्या सही एक्सपीरियंस रहा होगा, होता होगा, क्या सही सा व्यू है यार, पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए हैं और आसपास पूरी हरियाली है। वाओ क्या व्यू मिलता होगा वहां से लोग हर दिन, अमेजिंग यार, अमेजिंग। भुंतर एयरपोर्ट, कुल्लू, मंडी एंड दिल्ली दिस साइड, ठीक है। कुल्लू तक जाना है, कुल्लू के बाद टनल से लेफ्ट लेना है अपने को टू गो टू जिबी। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as a chemical. So finally reached Kullu, which means we have covered 40 kilometers so far, close to 40 kilometers, not exactly 40, approximately 35 kilometers ho gaya hoga. So not even 50% of the journey aaj ke liye, but not bad. Kullu tak pahunch gaye jaldi. This town man, Kullu, looks absolutely beautiful in the evening. Shaam mein itna khoobsurat lagta hai na ye shahar, aisa lagta hai jaise badalon ne puri tarah se छोटे से टाउन को घेर लिया है। राइट, स्टॉप हियर फॉर अ क्विक ब्रेक। अब तक मैंने कवर कर लिया है सम 35-40 किलोमीटर्स। करंटली छोटा सा ब्रेक लिया था मैंने, आई मीन कुल्लू राइट नाउ, मनाली से पहले जो आता है, उसके बाद भुंतर है एंड देन आउट का टनल आएगा। सो आई थिंक आज के डेस्टिनेशन के लिए वी स्टिल हैव अराउंड 2.5 यू नो आवर्स टू गो, देखते हैं। इट्स 10:30 राइट नाउ, तो होपफुली बाय 1 o'clock वी शुड बी देयर इन जीबी। ऑलराइट, स्टार्टेड द जर्नी अगेन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। यार इट वाज रिफ्रेशिंग यार, मज़ा आ गया। कटिंग चाय, थोड़ा सा रेस्ट, इक्विपमेंट चेक, यू आर ऑल सेट फॉर द जर्नी। अभी आई कांट वेट टू रीच आवर टनल, आई थिंक इट्स अबाउट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखते हैं। It has just begun as she puts her hand in mine. और ये हम आ गए हैं आउटर टनल। अभी शायद हम लोग बोल सकते हैं कि आधा रास्ता कवर हो गया है, और इस टनल के बाद मुझे लेना है लेफ्ट। वाओ ये तो खतरनाक सा टनल है भाई। लाइट्स तो लगा के रखा है, बट देन सिर्फ नाम के लिए है ये तो वही सीन है, अंधेरा कायम रहे। ये बहुत उफ़ाक बस वाला गधा। वाव अब तो लाइट पूरी गायब है, अभी तो पहले कुछ तो था, अभी तो पूरी ही लाइट गायब है। ऐसा लग रहा है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का लास्ट सीन लग रहा है, ये तो मेक्सिको से ड्रग्स लेके बाहर निकल रहे हैं। अच्छा अभी यहीं से अपने को लेना है लेफ्ट, मंडी उस तरफ है, साइंज, ठीक है भाई। या सो आई वाज राइट,
जिबी के लिए रास्ता निकलता है यहाँ से। ओके, जैसे मैंने अटल टनल आउट टनल से लेफ्ट लिया, रोड्स नैरोवर होते जा रहे हैं। एज यू कैन सी, दो व्हीकल्स एक साथ में पास नहीं हो सकते हैं, तो विल हैव टू वेट, लेट द अदर व्हीकल पास एंड देन मेक अ मूव। तो आई कैन इमेजिन आगे चल के ये रोड और ख़राब ही होगा। अगला 20-25 किलोमीटर थोड़ा सा टफ होने वाला है, बट नज़ारे यार। Absolutely beautiful man. ये है रियल हिमाचल, हिमाचल की खूबसूरती, खूबसूरत वालीज, बीच में से नदी बहती हुई। नदी का पानी इतना साफ यार, अंदर के मतलब पेबल्स तक आप क्लियरली देख सकते हो, इतना प्योर एंड क्रिस्टल क्लियर वाटर है। ओह यार, सच अ ब्यूटीफुल व्यू। पानी देख लो यार, कितना साफ सुथरा। यहाँ पे भी जाम लगा हुआ है। मनाली से जिभी जाने का रास्ता जो है और टनल के बाद, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक तो लग रहा है, बट इट्स वेरी नैरो। यू नो, एक व्हीकल आराम से जा सकता है, दूसरा अगर कोई बड़ा व्हीकल सामने से आता है तो ऐसे चीज़ें हो जाती हैं, जाम लग जाता है बीच में, कुछ नहीं कर सकते ऐसे टाइम पे। और स्पेशली अगर वहाँ जहाँ पे पुल है, अगर वहाँ पे जाम लग रहा है, ले देख लो गाइस, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। रोड है ठीक ठाक, बीच बीच में कुछ बैड पैचेस भी है, बट ये मेजर कंसर्न है, मतलब बीच में कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है तो देन एवरीवन इज स्टक। एंड बाय द वे, आई डोंट नो इफ आई मेंशनड अर्लियर, दिस इज तीर्थन, बाय द वे वी हैव एंटर्ड तीर्थन वैली, दिस होल वैली इज कॉल्ड तीर्थन। वाओ, टर्कवाइज। बड़ा खूबसूरत है यार ये जगह, इसको देख के लगता है कि यहाँ पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा हुई नहीं है, तभी अच्छे से रखा है। वाओ, दैट्स नाइस। उतर के पानी को छूना, मन तो कर रहा जाके मैं कुछ रील वील बना लूँ वहाँ पे, बट आई डोंट वांट टू डू इट। टुडे इज़ द फर्स्ट डे, तो आज का दिन, आई जस्ट वांट टू गो रीच माय डेस्टिनेशन, और वीडियोस चेक करना है कैसे आए हैं, कुछ सेटअप में कुछ चेंजेस करना है, क्या करना है। और बाइक के फ्रंट फोक में थोड़ी सी आवाज़ें आ रही है, वो भी एक बार चेक कराना पड़ेगा। देखते हैं अगर वहाँ कोई मैकेनिक मिला, ठीक है, नहीं तो फिर आगे जाके देख लेंगे। बट यार, दिस इज़ जस्ट टू गिव यू अ लिटिल ग्लिम्पसेस ऑफ दिस रोड और दिस एरिया, और रोड कंडीशंस कैसे हैं ये जस्ट बताना था। होप यू गाइस गॉट एन आइडिया कि अगर इस ये रोड लेते हो आप, तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, वो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल चुका होगा अब तक। पंजर से अभी हमें जिभी के लिए जाना है, आई हैव टू चेक विद हिम। जिभी ऊपर, आई फाइनली वी हैव रीच्ड जिभी। मैंने बोला था डायरेक्टली रूम पे मिलूंगा, बट देन व्यू इतना खूबसूरत है, आई कुडंट रेजिस्ट, गोप्रो ऑन करना ही पड़ा। जिभी एंटर करते ही बारिश शुरू हो गई, और उसकी वजह से मैं इस क्लिप के बाद मोटो व्लॉगिंग कर नहीं पाया, और थोड़ी सी मेहनत मशक्कत के बाद एक अच्छा सा रूम भी मिल गया, लेकिन
जो मौसम ने हमें वेलकम किया वहां पे, उससे सफर की जो पूरी थकान थी वो झट से मिट गई। Alright, finally reached Jibhi. Reached around 2 o'clock, 2 p.m. यार जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही डिफिकल्ट निकला रूट। एक होता है एडवेंचर जिसको आप इन्जॉय करते हो, और एक होता है टॉर्चर। ये लिटरली टॉर्चर था, मतलब रफ पैचेस, यू नो माउंटेनस टेरेन, ये सब इन्जॉय करते हो आप मतलब राइड में, बट जब पहाड़ पे और ऐसे टेरेन पे ट्रैफिक जाम लगता है, दैट इज़ द वर्स्ट, दैट इज़ द वर्स्ट। और एक नहीं एटलीस्ट 8 से 10 जगहों पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा जाम हो गया था और लिटरली इतना इरिटेट करता वो आपको। एंड सेम थिंग हैपन विथ मी। फर्स्ट के एटलीस्ट 75 किलोमीटर्स व डैम गुड अनटिल ऑट टनल। ऑट टनल तक तो सब ठीक ठाक ही था। मनाली से तो रोड absolutely fantastic, मनाली टू कुल्लू, कुल्लू से ऑट टनल। ऑट टनल से चीज़ें बदलती है जब आप लेफ्ट लेते हो। ऑट टनल के बाद में जब आप लेफ्ट लेते हो टूवर्ड्स जिभी, थोड़ी देर के बाद तीर्थन वैली में एंटर कर जाते हो आप, एंड दैट इज़ व्हेन द टॉर्चर बिगिंस। फर्स्ट के फिर भी यू नो 8-10 किलोमीटर आउट से इट वॉज ओके, और उसके बाद जिभी पहुँचने तक जो हालत ख़राब हुई है। रोड्स आर ओके, इट्स अ सिंगल लेन, द ओनली प्रॉब्लम इज ऑन कमिंग ट्रैफिक जब आ जाता है, तो अगर कोई नॉर्मल व्हीकल है, नॉर्मल फोर व्हीलर अगर है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कार है या फिर जीप्स वगैरह है, दैट इज़ फाइन, इट्स स्टिल मैनेजेबल। बट देन जब कोई हैवी व्हीकल आ जाता है, जैसे कि ट्रक है या बस है, जब ऐसा कुछ आ जाता है देन दर एब्सोल्युटली नो वे, मतलब ट्रैफिक जाम हो ही जाता है। एंड देन इट लास्ट फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स, कई बार तो उससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो इट्स डैम टॉर्चरस। और वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन दिस रोड इज लास्ट के 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच है बिफोर जिभी, मतलब इट्स अ स्टीप क्लाइंब। और द वर्स्ट पार्ट इज होते हैं कई ऐसे यू नो ड्राइवर्स जो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैफिक लेन वगैरह फॉलो नहीं करते हैं, सेकंड उनको लगता है कि ये वीडियो गेम ही चल रहा है यू नो, तो उन लोगों से बच के ऊपर तक पहुंचना इज़ आल्सो अ पेन। बट जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचा, मैं लुक्ड अराउंड, यार है बात तो है, मतलब इतना सब जो झेल के आए थे इट इज़ ऑल वर्थ इट 100%। Why? I'll show you the view. View दिखाता हूँ मेरे रूम से, व्यू क्या आ रहा है वो दिखाता हूँ आपको। Surrounded by lush greenery, Jibhi is a tranquil, unexplored town in the Banjo Valley of Himachal Pradesh, ideal for travelers seeking solace in the arms of nature. This quaint town provides breathtaking views, perfect for outdoor activities like fishing, hiking, bird watching, and more. But unfortunately, I couldn't do any of these things because it kept raining in the evening. I stayed at this place called Jibhi Highness. From all the budget hotels in Jibhi, this property is very much popular among the tourists. A smooth check-in, check-out process, flexible policies, and friendly management garner great customer satisfaction for this property. The hotel has a standard check-in time as 2 p.m. and check-out time as 12 p.m. It is a couple-friendly property with great food and amazing views. Hey guys, I just realized I totally forgot to close today's vlog. Aane ke baad मैं भी अराउंड 6ish मैं सो गया था, एंड देन आई जस्ट वोक अप लाइक हाफ एन आवर अगो। उस चक्कर में ब्लॉग क्लोज करना भूल गया था टोटली। या आज थोड़ा जल्दी सोऊंगा मैं, एटलीस्ट सोने की कोशिश करूंगा, बिकॉज टुमारो इज अ बिग डे, हैव टू क्लॉक 200 किलोमीटर्स। तो आई सी इफ पॉसिबल आई ट्राई टू कवर ऑल 200 किलोमीटर्स टुमारो। अगर नहीं होता है देन आई माइट हैव टू यू नो
take a break in between and then continue the journey depending on how it goes. सब कुछ डिपेंड करता है बिकॉज पहाड़ों में आप सोचते कुछ और हो, होता कुछ और है. इट फॉल बैक ऑन प्लान बी, देखते हैं हाउ इट गोज. बट फॉर नाउ टाइम राइट नाउ इज 9:15. भूख भी लग रही है तगड़ी सी, जाके मैं कुछ खाना खाता हूँ एंड आई जस्ट कॉल इट अ डे. अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्टिंग यू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज कल से तगड़े व्लॉग्स आने वाले हैं. दैट इज बिकॉज आज का जो दिन था थोड़ा सा रॉ, बट या कल से धसो आएंगे ब्लॉग्स. सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, फ्री है एनीवेज. बट या दैट हेल्प्स अ लॉट फॉर मी. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. गाइस, जस्ट वांटेड टू शो यू द व्यू राइट बिहाइंड मी, लुक एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. This is the last thing you want on a trip, man. 6 kilometers before Chitkul, got a flat tire.